नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को अमरनाथ में बादल फटने की सूचना मिलने पर यात्रा में गए परिजनों की सुविधा के लिए जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण अधिकारी ने कहा, यदि किसी के घर कोई व्यक्ति गया है अमरनाथ यात्रा के लिए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके डिटेल करवाए नोट, की जाएगी पूरी सहायता। थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर के चार फाटक रोड स्थित एक झोपड़ी में रहने वाली महिला का मिला शव। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी सीओ कैंट ने कहा, शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, की जा रही है आगे की विधिक कार्रवाई। कोतवाली थाने पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। एसएसपी ने कहा, थाना समाधान दिवस में आए मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर भेजा गया है, मौके पर रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। शुक्रवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो आबे के निधन पर शासन के निर्देश पर शनिवार को पूरे प्रदेश में राजकीय शोक हुआ घोषित। जिलाधिकारी कार्यालय पर आधा झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज को। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक। नगर निगम के लंबित 228 प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के दिए निर्देश। कहा, नगर निगम में प्राप्त जनसूचना के आवेदनों के 30 दिनों के अंदर निस्तारण कर राज्य सूचना आयोग में नगर निगम प्रस्तुत कर सकता है अपनी अच्छी छवि। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम के दृष्टिगत हड़हवा फाटक स्थित एक निजी लॉन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखनाथ थाने पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए मामलों का किया गया निस्तारण, बाकी बचे मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। मातृभूमि योजना के संबंध में प्रधानों के साथ डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने की बैठक। कहा, ग्राम प्रधान गांव के सम्मानित नागरिकों से मिलकर गांव के विकास के लिए 60% राशि करवाएं उपलब्ध, 40% राशि प्रदेश सरकार करवाएगी उपलब्ध, गांव में ओपन जिम, पंचायत भवन, लाइब्रेरी का होगा निर्माण। बकरीद त्योहार के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने महानगर के कई सड़कों पर आवागमन किया प्रतिबंधित तथा रूट डायवर्जन। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक रहेगा लागू। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। सीओ कैंट श्याम देवबिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, समाधान दिवस पर आए मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की टीम गठित कर मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराने के दिए गए हैं निर्देश। और फिल्म काली के विवादित पोस्टर पर भाजपा के पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने फिल्म डायरेक्टर लीना मड़ी मेकलाई और उनके सहयोगियों के खिलाफ थाना कैंट में एफआईआर दर्ज कराने के लिए दी तहरीर। कहा, दर्ज हो गंभीर धाराओं में मुकदमा। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए देवी देवताओं के ऊपर विवादित डॉक्यूमेंट्री और पोस्टर रिलीज करने वाले लोगों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने अमरनाथ यात्रा में शुक्रवार को बादल फटने की सूचना मिलने पर यात्रा में गए परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर में जिनके परिवार का कोई सदस्य अमरनाथ यात्रा पर गया हुआ है और संपर्क नहीं हो रहा, ऐसे परिवार के लोग 9454162529557861115 या 0551
220-1776 पर कॉल करके नाम और पता नोट करवा दे। इसके अलावा जो परिजन अमरनाथ गए हुए हैं उनका नंबर भी नोट करवा दे, जिससे यदि कोई अमरनाथ से सूचना मिलती है तो तुरंत आपको अवगत करवाया जाएगा और पूरी सहायता की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और जिले के आपदा का प्रभारी हूं। मैं उन लोगों को जिनके परिवार का कोई सदस्य अमरनाथ यात्रा पर गया हुआ है, मैं कुछ मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर नोट करा दे रहा हूं। जिनको भी ये जिनके परिवार का है, इन नंबरों पर फ़ोन करके उनका विवरण नोट करा दें और जो वहाँ गए हुए हैं यदि उनका मोबाइल नंबर है तो वो भी नोट करा दें। एक नंबर है आपका 94-54-41-62-52, 94-54-41-62-52। दूसरा नंबर है 9555-786-115, 9555-786-115। एक लैंडलाइन नंबर है 220-1776-220-1776। इन नंबरों पर फ़ोन करके वो अपनी सूचना नोट करा दें और हम लोग उनकी पूरी सहायता करेंगे और अमरनाथ से या जम्मू कश्मीर से जैसे ही हमें कोई सूचना प्राप्त होगी वैसे ही आपको हम सूचना से अवगत करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर के चार फाटक रोड स्थित एक झोपड़ी में रहने वाली 80 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। महिला की लाश बिस्तर में पड़ी थी और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, शरीर पर पहने हुए जेवरात भी गायब थे, साथ ही झोपड़ी का सामान बिखरा पड़ा था। महिला जिस मंदिर की रखवाली करती थी उसके दान पत्र से रुपए भी गायब थे। शनिवार को सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जिसके संबंध सीओ कैंट श्याम देव बिंद ने बताया कि एक महिला कैलाशी देवी पत्नी रामशरण निषाद निवासी बिछिया की रहने वाली है। यह मोहद्दीपुर में सड़क के किनारे रहती थी और प्लास्टिक डालकर चाय और बिस्किट बेचती थी। सुबह जब देखा गया तो यह दुकान में मृत अवस्था में पड़ी मिली, जिसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देव बिंद ने कहा, एक बुजुर्ग महिला है कैलाशी देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामशरण निषाद, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। ये मूल रूप से बिछिया थाना शाहपुर की रहने वाली हैं। यहाँ मोहद्दीपुर में सड़क के किनारे प्लास्टिक डाल के रहती थी और चाय और बिस्किट बेचती थी। आज सुबह इनके दुकान में देखा गया तो मृत अवस्था में पड़ी मिली हैं। इनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग आकर अपनी समस्या बता रहे हैं, उनके समस्याओं का निस्तारण किया गया। कुछ मामलों में अधिकारियों को मौके पर भेजकर राजस्व टीम के साथ निरीक्षण करवाया जा रहा है, जिससे मामले की पूरी जानकारी हो सके और सही कार्रवाई किया जा सके। उन्होंने कहा, गोरखपुर पुलिस की प्राथमिकता है कि जनता की समस्याओं का शत प्रतिशत निस्तारण हो। इस अवसर पर सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, लेकिन सब हो गया।
कौन परेशान कर रहा है? क्या है कारण? कौन परेशान कर रहा है? किस चीज़ का पैसा मिलना था? पूरे वो पूरे दौरान का कौन है मालिक? को मालिकाना है किसका? मालिक चार ना। और आपकी नानी क्या होती थी? हमारे मामा का सिंगर था, हमारे दो मामा थे। ऐसा दे दिया है आपकी पाँच लाख? आपकी बात हो चुकी है तो उसको दिखाया था मिलते समय के हिसाब से। आपने पैसा कैसे दिया जी? सर एक लाख हमारी व्यक्ति से पाबंद कर दी, ठीक है ना? अगर कोई किसी का धंधा कर रहा है 100 वाला तो माता जी ये तो मकान के लिए डीएम साहब यहाँ पर थाने पर जो हमारा थाना समाधान दिवस है उसके लिए आए हुए हैं। जहाँ लोकल लेवल पर ग्राउंड लेवल पर राजस्व के अधिकारी और पुलिस के जो हमारे बीट कांस्टेबल हल्का प्रभारी हैं उनके बीच में अच्छा संवाद रहे, इसके लिए आपस में जो कॉन्टैक्ट्स का इनका या नंबर का एक्सचेंज है वो भी कराया जा रहा है। और ज़मीन संबंधी जो मामले हैं उसमें ज्वाइंट टीम मौके पर जाकर ही वहाँ पर निस्तारण करे और उसका उचित उसमें जो कार्रवाई होनी है वो की जाए, इसके लिए सूचित किया। जनपद में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो आबे की शुक्रवार को निधन के बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर राजकीय शोक घोषित हुआ। आपको बता दें कि शुक्रवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो आबे का गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया था, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। आधा झुकाने के लिए मतलब क्या होता है? एक प्रधानमंत्री जी को गोली मारा गया है, प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है। अरे नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के नवीन कार्यालय के सभागार में नगर निगम के अधिकारियों के साथ जन सूचना के संबंध में बैठक किया गया। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने राज्य सूचना आयुक्त को बुके देकर उनका स्वागत किया। बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगम जिस प्रकार शहर की छवि को बेहतर करने के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार नगर निगम में प्राप्त जन सूचना के
के आवेदनों के निस्तारण करके राज्य सूचना आयोग में अपनी अच्छी छवि प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निस्तारण 30 दिनों के अंदर कर दिया जाए तथा जन सूचना अधिकारी सूचना देते समय स्वयं को आवेदक के स्थान पर सोच कर कार्य करे तो कार्य और भी अच्छे से संपादित होगा। उन्होंने कहा कि अपने मूल काम के साथ साथ जन सूचना का कार्य भी करना है। यदि आवेदक को सूचना देने में विलंब होता है तो राज्य सूचना आयोग गंभीरता से लेता है। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो सूचना जिस रूप में है उसी रूप में दिया जाएगा, कहीं से सूचना का सृजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम के लंबित 228 प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश देते हुए नगर आयुक्त से कहा कि जोनलवार जन सूचना अधिकारी तैनात किए जाएं। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और कार्यों में पारदर्शिता लाना है। इस अवसर पर नगर आयुक्त ने राज्य सूचना आयुक्त को स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी एवं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए नगर निगम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ संपादित कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी सहित जोनल अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कहा, हमारे सारे काफी हमारे यहाँ ट्रांसफर बहुत हो गया है, आना तो चाहिए कि स्टाफ को भी इसमें महिला है ना, इसलिए थोड़ा महिलाओं के साथ अपनी अपनी दिक्कतें हैं, तो कम बहुत आप पेशा है आदि स्वागत करता हूँ। आज नगर निगम में जो प्रार्थना पत्र आए हैं और उनके सापेक्ष जो प्रार्थना पत्र में सूचना मांगी गई है, किस प्रकार से यहाँ पर सूचनाएँ दी जा रही हैं, कितनी हमारी पेंडेंसी है आदि के संबंध में सर समीक्षा करेंगे। लेकिन समीक्षा से पहले मैं सर को एक इसके अलावा सर मैंने अपने यहाँ के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं सर, जहाँ जीरो टॉलरेंस पे इसके बारे में बताया, फिर वहाँ ये भी कहा कि हमको ये भी देखना है कि सर जितनी भी हमारे पास जो भी शिकायतें आती हैं उन शिकायतों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का सर कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए सर। और हमने कहा कि जब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं सर, हमने हर चीज़ को जो बंद कर रखा है, कोई कुछ भी मांगे, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो चीज़ सही है उसको आप तत्काल उनको उपलब्ध करा लीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ सर छुपाने लायक नहीं है। इसको कहते हुए मुझे बहुत सर गर्व होता है सर कि हम जो आए हमारे पास तो जो भी आता है सर, हम कहते हैं मेरी जो फाइल देखना चाहो, जो तुम टेंडर का कैसे हुआ है, कितना आपका इस्टीमेट है, कहाँ से कहाँ तक बन रही है। और हमने सर यहाँ पर एक पब्लिक ऑडिट की व्यवस्था भी शुरू कराई है सर, कि जैसे कोई पब्लिक आती है या किसी उनके डिमांड पर हम लोग सर एक कोई सड़क बना रहे हैं,
तो सड़क बनाते समय सर शुरुआत में अगर हम लोग जाते हैं, जब बीच में सड़क बनती रहती है सर, तो भी हम जाकर वहाँ पर पब्लिक से ये पूछते हैं कि जो हमारा ठेकेदार काम कर रहा है, हमारा JEE मौके पर आता है कि नहीं सर, और जो मटेरियल वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है क्या वो उचित गुणवत्ता का है कि नहीं सर। इसकी वजह से हम लोगों ने, और सर एक बार अभी कुछ दिन पहले सर हम लोग सड़क बनाने और जा रहे थे, नगर निगम का सर एक प्रयास रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपेक्षाओं पर और उसी के प्रतिष्ठ जन अपेक्षाओं पर, क्योंकि सर ये हम सभी अधिकारियों को ये भी बताते हैं कि सर ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सर विधानसभा में वो यहाँ से सर निर्वाचित हुए हैं, तो इसलिए हमारा दायित्व जो है और अन्य जगहों के अधिकारियों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। और सर कई बार ये भी होता है कि सर जैसे पोलिटिकल सिस्टम में आप जानते हैं, क्योंकि CM सिटी है, सबकी निगाहें यहाँ पर लगी रहती हैं, तो छोटे से भी इशू को सर यहाँ कई बार ये भी देखने में मतलब कि बड़े करने को सब प्रयास किया जाता रहा है। 2022 से आज तक मतलब इस वित्तीय वर्ष में हमारी क्या कोशिशें हैं, सर जो प्राप्त हुए सर 35 लंबे हो गए, और इसमें सर जो प्रथम अभी जो कि हमारे जवाब पे जो लोग संतुष्ट हैं, ऐसे प्रार्थना पत्रों की संख्या 3 है जो कि सर सर इस वित्तीय वर्ष में 21-22 में सर उस शब्द को निखारने का पिछली बार जब मैं आया था तो जिले की बैठक थी, बल्कि जिले की बैठक के बजाय साथ साथ वो महाराज संघ की बैठक सभा आने की भीड़ बहुत थी, बताना था उन्होंने बताया अधिकार भी बाद में मुझे ये लगा कि जो जन स्वरोजगार से जुड़े विभाग जैसे नगर में पुलिस है, विकास है, स्वास्थ्य है, इनकी अलग अलग समीक्षा बैठक है, उस कड़ी में जो है आज नगर निगम की बैठक सोमवार को 3 दोनों विभागों की बैठक है, ग्राम विकास क्योंकि यही चार पाँच विभाग स्वास्थ्य को मैंने एक बार नहीं छोड़ा है, आदमी को भी कॉन्ट्रैक्ट करें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके साथ साथ जो भी समीक्षा बैठक का उद्देश्य नगर निगम के प्रमुख अधिकारियों के भीतर यह एहसास दिलाना कि जो सूचनाएं उनसे मांगी जा रही हैं जनहित में, उन सूचनाओं को 30 दिन के भीतर डिलीवर कर दें और जेन्युइन RTI को गंभीरता से लें ताकि काम में पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार कम से कम हो या न हो। इसमें नगर आयुक्त भी आए, अपर नगर आयुक्त भी आए, उप नगर आयुक्त भी आए, कर अधीक्षक से लेकर सारे प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे और हमारे जो RTI के बारे में हमने बताया उसको बहुत गंभीरता से सुना और ये आश्वस्त किया कि पहले से और ज़्यादा सतर्क रहेंगे और कम से कम जेन्युइन RTI जो न्यायोचित RTI है उसका समय से जवाब देंगे और कोशिश ये करेंगे कि काम काज में सर्वाधिक पारदर्शिता आए और यही हमारे बैठक का उद्देश्य भी था। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने 12 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे के दृष्टिगत हड़ावा फाटक रोड स्थित कार्यक्रम स्थल का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री के मार्ग पर पड़ने वाले अतिक्रमण को खाली करवा दिया जाए, सभी नालों को साफ सफाई करवा दिया जाए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन व आने वाले अतिथियों की सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये क्या है? वो मेरा जुड़ाव है।
दोनों साइड से फिर कर्टेन कराने पड़ेंगे। नहीं पैक करना पड़ेगा। हम इसी रूट की बात कर रहे हैं। जीरो होता है सर, बड़ा थोड़ा दिखता है, रिटर्न लेके आते आप रूट का ये बनाइए, कितने खर्च, कितनी गलियाँ, कितने क्या आगे में झाल दिए फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को जिले के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनता के समस्याओं का समाधान किया जाता है। शनिवार को गोरखनाथ पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लोग आकर अपनी समस्या बता रहे थे, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर बात की जा रही थी और लोग भी सही बात बता रहे हैं, जिससे उनके समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि लोग थाना समाधान दिवस में आकर के अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। इस अवसर पर गोरखनाथ थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी व फरियादी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, इसमें अब आप और आपका जो बयामा सालों से रजिस्टर कर लिया है, आपका और आपका कोई हक नहीं है। छोड़ने वाले अब इसके बाद अगर कोई जमीन और बची हुई है उसका क्या हुआ? उसकी हमारे साथ वसीयत कर कागज इनके हक में है, कागज इनके और इनके हक में नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने अपनी पर्ची होती है अपने कुत्ते के नाम करके चले जाते हैं, बिल्ली के नाम करके चले जाते हैं या अपने किसी दूसरे आदमी के नाम करके चले जाते हैं। तो ये तो जब हम पुराने जायज वारिसों से संतुष्ट नहीं होते, अगर वो वसीयत ना करते तो ये प्रॉपर्टी इनको इनको ना जाती और वसीयत होने के बाद अगर वो मेरे नाम कर देते तो मुझे ठीक है। कुछ और कहना चाहिए आप या अब आप इनको बैठने की जगह दीजिए, एक पक्ष आप करें दूसरा अरे लोग जो बता पाए बता अधीशा नाम है आपका, कौन सा कर्ता पुत्र है आपका? किराएदार
बाहर से काम धाम करने के लिए, बुनाई नाई का काम, सहाई का काम करने के लिए। बाद में कुछ दिन बीच में ये खाली भी कर दिए और अपनी लड़की को बता दी उसमें, और वो हमारा आज सर परसों तो हमारा वर्कशॉप है तो वो हमारे जमीन पर आप बैठी हैं वो जमीन आपके नाम से है, ये बैठी आप इनके साथ जिस जमीन पर बैठी यानी यहाँ पर इसके आगे इनका जो पेड़ मालूम था ये था भंगिया का, जमीन की खाली थी इनके आदमी से हमारे आदमी बात करते। जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक माह में दूसरे और चौथे शनिवार को थाना समाधान दिवस होता है। हम लोग गोरखनाथ थाने में बैठे हुए हैं, हमारे साथ पुलिस के सभी आला अधिकारी और राजस्व विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं। हम लोग सुबह से लोगों को सुन रहे हैं और लोग भी बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों पक्ष हम लोगों को लगभग सही बात बता रहा है और इसके लिए वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। सही बात बता रहे हैं तो हम लोग उनका कोई ना कोई जो सम्यक समाधान है उसको करा भी ले रहे हैं। मेरा ऐसे सभी लोगों से अनुरोध है कि हम लोग आगे बढ़ के समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। गोरखनाथ थाने क्षेत्र के जो भी लोग हैं थाना समाधान दिवस पे आएँ। इसके अतिरिक्त भी मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, एडीएम फाइनेंस हूँ, मेरा नंबर 94-54-41-76-15 है, तो मैं पुरानी कलेक्ट्रेट में अभी बैठता हूँ, वो आ करके अपनी बात मुझे बता सकते हैं, मैं उनको सुन करके उनकी समस्या का समाधान कराऊँगा और मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को अमरनाथ में बादल फटने की सूचना मिलने पर यात्रा में गए परिजनों की सुविधा के लिए जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण अधिकारी ने कहा यदि किसी के घर कोई व्यक्ति गया है अमरनाथ यात्रा के लिए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके डिटेल करवाए नोट, की जाएगी पूरी सहायता। थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर के चार फाटक रोड स्थित एक झोपड़ी में रहने वाली महिला का मिला शव। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी सीओ कैंट ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, की जा रही है आगे की विधिक कार्रवाई। कोतवाली थाने पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। एसएसपी ने कहा थाना समाधान दिवस में आए मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर भेजा गया है, मौके पर रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। शुक्रवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो आबे के निधन पर शासन के निर्देश पर शनिवार को पूरे प्रदेश में राजकीय शोक हुआ घोषित। जिलाधिकारी कार्यालय पर आधा झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज को। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक। नगर निगम के लंबित 228 प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के दिए निर्देश। कहा नगर निगम में प्राप्त जनसूचना के आवेदनों के 30 दिनों के अंदर निस्तारण कर राज्य सूचना आयोग में नगर निगम प्रस्तुत कर सकता है अपनी अच्छी छवि। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम के दृष्टिगत हड़हवा फाटक स्थित एक निजी लॉन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखनाथ थाने पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा थाना समाधान दिवस में आए मामलों का किया गया निस्तारण, बाकी बचे मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। मातृभूमि योजना के संबंध में प्रधानों के साथ डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने की बैठक। कहा ग्राम प्रधान गांव के सम्मानित नागरिकों से मिलकर गांव के विकास के लिए 60% राशि करवाएं उपलब्ध, 40% राशि प्रदेश सरकार करवाएगी उपलब्ध, गांव में ओपन जिम, पंचायत भवन, लाइब्रेरी का होगा निर्माण। बकरीद त्योहार के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने महानगर के कई सड़कों पर आवागमन किया प्रतिबंधित तथा रूट डायवर्जन सुबह 6 बजे से 12 बजे तक रहेगा लागू। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी।
सीओ कैंट श्याम दोबिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, समाधान दिवस पर आए मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की टीम गठित कर मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराने के दिए गए हैं निर्देश। और फिल्म काली के विवादित पोस्टर पर भाजपा के पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने फिल्म डायरेक्टर लीना मड़ी मेकलाई और उनके सहयोगियों के खिलाफ थाना कैंट में एफआईआर दर्ज कराने के लिए दी तहरीर। कहा, दर्ज हो गंभीर धाराओं में मुकदमा। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए देवी देवताओं के ऊपर विवादित डॉक्यूमेंट्री और पोस्टर रिलीज करने वाले लोगों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। योर कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट्स इट, यू लाइक इट चीकू? डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? इट्स मैग्निफिसेंट एंड इट आल्सो कम्स इन गोल्ड एंड क्रोम ब्लैक एंड बाय द वे इट्स चीकू नॉट डॉगी। प्रेजेंटिंग ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन, स्टनिंग कलर फॉसेट्स विद लॉन्ग लास्टिंग फिनिश दैट्स नोटिस्ड बाय एवरीवन। हेडवेयर इटालियन कलेक्शन। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंपलीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने मातृभूमि योजना के संबंध में प्रधानों के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जो बैठक हो रही है उसमें 6 ब्लॉक के प्रधान को बुलाया गया था तथा मातृभूमि योजना के बारे में बताया जा रहा है जो कि कल लॉन्च हुआ है। इस योजना के तहत गाँव का कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से गाँव के विकास में अपना योगदान करना चाहता है तो कर सकता है, जिसमें व्यक्ति को आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा, पंचायत भवन, आरओ प्लांट, ओपन जिम बनवाना चाहता है तो वह 60% धनराशि दान कर सकता है, जिसमें 40% धनराशि प्रदेश सरकार डोनेट करेगी, जिससे गांव का विकास होगा और जो व्यक्ति दान दे रहा है उसका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा, जिसमें 2 व्यक्ति दान देने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे ओपन जिम व लाइब्रेरी बनेगा। इसके अलावा 2 कंप्यूटर की धनराशि भी 1 प्रधान दे रहे हैं। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आकर इसमें हिस्सा ले, जिससे गाँव का विकास हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, ऑनलाइन मोड को लिया गया है ताकि जो भी डाटा आपकी जाएगी उसमें डाटा जो भी आपके गांव से डेबिट होगी, मतलब कोई दलाल या जुलेटर नहीं, पूरे से पूरी डाटा से आपकी तुरंत उस खाते में चली जाएगी। ठीक है, डोनेशन करने के बाद आप अपने डोनेशन की रिसिप्ट उसी पोर्टल से आपके सेम लॉगिन, ताकि डोनेशन के बाद रिसिप्ट आ गई 15 डेज में, आपको बता दें 15 डेज के अंदर आपको अमाउंट 40% है वो भी डिस्कस कर दिया जाएगा, उसे अप्रूव होगी। अप्रूवल के बाद जो भी संबंधित एजेंसी है वो बिल रेज करेगी, बिल रेज यहाँ पे अप्रूव होगा स्टेट से फौरन, इस तरह का कोई भी फौरन आपके संबंधित एजेंसी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कोई भी दलाली नहीं होगी, कोई ग्राम सभा में नहीं जाएगा, जिस एजेंसी से करा रहे होंगे आपकी वो पसंद की एजेंसी होगी, आप स्वयं भी कार्य करा सकते हैं तो उस अकाउंट में आएगा। एक बार अप्रूवल मिलेगा डिस्ट्रिक्ट से तो वो आपको पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। स्टडी किया जमीनी रूप पे तो लोगों को ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए डायरेक्टली जिस एजेंसी से कार्य कराया जा रहा है कि कोई भी जैसा आप लोग बोल रहे हैं करप्शन एंड ऑल वो ना हो, उसे रोकने के लिए हम डायरेक्टली उस एजेंसी को अकाउंट देंगे, अमाउंट देंगे। साथ ही एक चीज और बता दें कि कोई बड़े प्रोजेक्ट है तो उसका रनिंग अमाउंट आपको दिया जाएगा, MB होगी उसके बेसिस पे रनिंग अमाउंट पे करेंगे, यानी कि आपने 12 लाख का काम जब फिनिश कर दिया तभी आपको मिलेगा। आपने अगर उसके हम 10% 20% इस तरह का हमने एक वेबसाइट बनाया हुआ है, आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाई देगा उसमें जब भी आप लोग करते हैं आएगा। सर कहाँ हैं आप? आप यहाँ आकर बैठे। हमारे फर्स्ट जो डोनर हैं ये आर्मी से रिटायर्ड हैं और आप डोनेट कर रहे हैं। आज जो अभी बैठक हो रही है, इस बैठक में सभी 6 ब्लॉक के प्रधान जी लोगों को बुलाया गया है, जो उसमें से अच्छे सम्मानित प्रधान जी हैं वो लोग आए हुए हैं। उनको मातृभूमि योजना क्या है, जो मातृभूमि योजना जो कल लॉन्च हुई तो उसके बारे में उनको बताया जा रहा है, ताकि ये मातृभूमि योजना है बेसिकली ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि उस गाँव का निवासी है, आज कहीं और रहता हो या अभी उस गाँव में रहता है, जो अपने गाँव के विकास के लिए किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत संरचना के डेवलपमेंट में अपना योगदान करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसके तहत 60% धनराशि जो है उस किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र कोई बनवाना चाहता है या कोई अपने गांव में लाइब्रेरी बनवाना चाहता है या कोई अपने गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाना चाहता है, सोलर लाइट लगवाना चाहता है, LED लाइट लगवाना चाहता है या CCTV कैमरा लगवाना चाहता है या कोई अतिरिक्त कक्ष स्कूल में या आंगनबाड़ी केंद्र में या पंचायत भवन में बनवाना चाहता है, इस तरह कोई भी निर्माण अगर कोई कराना चाहता है, कोई आरओ प्लांट लगवाना चाहता है, इसके लिए वो 60% धनराशि वो अपनी तरफ से दान कर सकता है और बाकी 40% की धनराशि राज्य सरकार डोनेट करेगी, राज्य सरकार देगी, उसकी मदद से जो है गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, गांव का सर्वांगीण विकास होगा। तब उस व्यक्ति का, उस दानदाता का जो दान की राशि दे रहा है, उनका नाम उस शिलापट पे लिखा जाएगा। अभी 2 दानदाता यहाँ पर तैयार हो गए हैं। ये प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले गोरखपुर से स्टार्ट किया जा रहा है, पूरे UP में सबसे पहले जो ये प्रोजेक्ट है जो मातृभूमि योजना है गोरखपुर से आरम्भ किया जा रहा है। यहाँ पर एक रामयतन यादव जी हैं, वो ओपन जिम और लाइब्रेरी के लिए उन्हें धनराशि देने के लिए 60% धनराशि देने के लिए वो तैयार हैं। इसके अलावा 2 कंप्यूटर के लिए धनराशि देने के लिए आपके जंगल दुर्गन सिंह के पूर्व प्रधान विवेक शाही तैयार हैं। इस तरह बाकी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए आगे हैं और इससे गाँव का जो है सर्वांगीण विकास हो, व्यक्ति का भी जो है जो का अगर नाम अगर स्मृति किसी को सुरक्षित रखना चाहते हैं सुरक्षित रहे।
बकरीद त्योहार को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने महानगर की कई सड़कों पर आवागमन प्रतिबंधित किया है तथा रूट डायवर्जन भी किया है जो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक लागू रहेगा। जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि बकरीद के त्योहार के मद्देनजर देखते हुए कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए शहर में विभिन्न मार्गों का रूट डायवर्जन किया गया है, जिसमें जामा मस्जिद घंटाघर की तरफ से जाने वाले समारोह के रास्ते पर नमाज शुरू होने से लेकर खत्म होने तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। अलहदादपुर की तरफ से घंटाघर की तरफ रायगंज होते हुए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से घंटाघर के मार्ग पर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं रेती चौराहे से घंटाघर की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा शहर में चारों तरफ से जो प्रवेश करने वाला ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को बाहर बाहर पास कराया जाएगा, जो कि मोहद्दीपुर से कवाबाग खजांची मेडिकल रोड होते हुए पास कराया जाएगा। शहर में किसी भी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर हैं वह सभी ड्यूटी पर रहेंगे। इस बकरीद के त्योहार को संपन्न कराने के लिए सभी चौराहों, सभी गलियों में और सभी मस्जिदों पर आने जाने के रास्तों पर यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, कल बकरीद का त्यौहार है। बकरीद के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए कुशलतापूर्वक इसको संपन्न कराने के लिए शहर में विभिन्न मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया है। उसमें प्रमुख रूप से घंटाघर से सामारूफ वाले रास्ते पर और अलादादपुर नॉर्मल टैक्सी स्टैंड रेती चौराहा से घंटाघर की तरफ आने वाला ट्रैफिक जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त शहर में चारों तरफ से जो प्रवेश करने वाला ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को बाहर ही बाहर पास कराया जाएगा, जो कि मोहद्दीपुर से कौवा बाग होते हुए खजांची होते हुए मेडिकल रोड होते हुए अथवा इंडस्ट्रियल होते हुए उसके लिए पास कराया जाएगा। और शहर में किसी भी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी नॉर्मली जो हमारे ड्यूटी पे रहे हैं वो सभी ड्यूटी रत रहेंगे। इसके अतिरिक्त ईद को संपन्न कराने के लिए हमने सभी प्रमुख चौराहों पर, सभी गलियों पर और सभी जामा मस्जिद सहित प्रमुख मस्जिदों पर जाने वाले रास्ते पर सुरक्षाकर्मी, ट्रैफिक यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जिसके संबंध में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि थाना कैंट पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 10 मामले आए हुए हैं जो जमीन और मकान के विवाद के हैं। मामलों को देखते हुए राजस्व और पुलिस की टीम गठित की गई है और निर्देशित किया गया है कि मौके पर टीम जाएगी और समस्या का समाधान कराएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कहा, थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ है जिस पर मैं मौजूद हूँ। कुल लगभग 10 प्रकरण आए हुए हैं अभी तक, जो सारे प्रकरण जमीन और मकान के विवाद के हैं।
जिसमें राजस्व और पुलिस की टीम गठित की गई है और निर्देश दिया गया कि आज ही 2 बजे के बाद वो टीम जाएगी और मौके पर देखकर समस्या का समाधान कराएगी। सर कितनी मामलों को निस्तारण किया? अभी 10 प्रकरण आए हैं, सब जमीन और मकान के विवाद के हैं और उसमें टीम गठित की गई है, अभी कोई प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर भाजपा के पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता कैंट थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किए तथा फिल्म डायरेक्टर लीना मणि मेकलाई और इस फिल्म के मेकर उनके सहयोगियों के खिलाफ थाना कैंट में FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दिया, जिसके संबंध में पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि फिल्म मेकर लीना मेकलाई के खिलाफ कैंट थाने में FIR दर्ज कराया गया है और साथ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए देवी देवताओं के ऊपर इस तरह की विवादित डॉक्यूमेंट्री और पोस्टर रिलीज करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मां काली का अपमान करके हिंदू धर्म के साथ साथ उन्होंने समस्त नारी समाज का भी अपमान किया है। ऐसे पिक्चरों का हिंसा के साथ नहीं अहिंसा के साथ विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र हिंसावादी नहीं अहिंसावादी है। उन्होंने कहा कि थाना कैंट द्वारा आश्वासन मिला है कि इस तहरीर पर संज्ञान लेकर अपने ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेत्री एवं पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, फिल्म मेकर लीना मणि मेकलाई के खिलाफ आज हमने कैंट थाने में एक तहरीर दी है, FIR दर्ज करा के साथ ही उस पर कड़ी से कड़ी जितनी भी धाराएं लग सकें उस पर मुकदमा दर्ज हो इस आग्रह के साथ। आज यहाँ पे जन सुनवाई के लिए CO कैंट उपस्थित थे, मैंने उन्हीं के हाथों में दिया है और ये रिसीविंग में मुझे वहाँ से प्राप्त हुई है। मेरा यही आग्रह है कि इस तरह जो भी हरकत ऊँची हरकत करता है, आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, उसका विरोध होना चाहिए। माँ काली का अपमान करके उन्होंने धर्म के हिंदू धर्म के साथ साथ उन्होंने समस्त नारी समाज का अपमान किया है, क्योंकि नारी नारी होती है और नारी का अपमान विश्व की कोई भी नारी सहन नहीं करेगी, क्योंकि नारी अगर किसी जाति धर्म से बधी होती तो नारी विवाह के बाद उसका सरनेम तक बदलता नहीं। इसलिए मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी पिक्चरों का, ऐसे लोगों का जो कहते हैं गलत बोलते हैं, मैं सबके लिए कहती हूँ उसका विरोध होना चाहिए, हिंसा के साथ नहीं अहिंसा के साथ, क्योंकि हमारा राष्ट्र हिंसावादी नहीं अहिंसावादी है, उसके साथ उसका विरोध करें और इस पिक्चर का जितना हो सके कड़ी शब्दों में निंदा के साथ उसको डब्बा बंद कराने में अपनी बहती भूमिका ने। मुझे आश्वासन यही मिला है कि आपके ने जो ये दिया है इस पे पूर्ण हम लोग इसका संज्ञान लेते हैं और इसको जरूर हम लोग कर अपने ऊपर के अधिकारियों को उन्होंने प्रेषित भी किया है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को अमरनाथ में बादल फटने की सूचना मिलने पर यात्रा में गए परिजनों की सुविधा के लिए जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण अधिकारी ने कहा, यदि किसी के घर कोई व्यक्ति गया है अमरनाथ यात्रा के लिए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके डिटेल करवाए नोट, की जाएगी पूरी सहायता। थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर के 4 फाटक रोड स्थित एक झोपड़ी में रहने वाली महिला का मिला शव। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी CO कैंट ने कहा, शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, की जा रही है आगे की विधिक कार्रवाई।
कोतवाली थाने पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। एसएसपी ने कहा, थाना समाधान दिवस में आए मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर भेजा गया है। मौके पर रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। शुक्रवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो आबे के निधन पर शासन के निर्देश पर शनिवार को पूरे प्रदेश में राजकीय शोक हुआ घोषित। जिलाधिकारी कार्यालय पर आधा झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज को। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक। नगर निगम के लंबित 228 प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के दिए निर्देश। कहा, नगर निगम में प्राप्त जनसूचना के आवेदनों के 30 दिनों के अंदर निस्तारण कर राज्य सूचना आयोग में नगर निगम प्रस्तुत कर सकता है अपनी अच्छी छवि। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम के दृष्टिगत हड़हवा फाटक स्थित एक निजी लॉन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखनाथ थाने पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए मामलों का किया गया निस्तारण। बाकी बचे मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। मातृभूमि योजना के संबंध में प्रधानों के साथ डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने की बैठक। कहा, ग्राम प्रधान गांव के सम्मानित नागरिकों से मिलकर गांव के विकास के लिए 60% राशि करवाएं उपलब्ध। 40% राशि प्रदेश सरकार करवाएगी उपलब्ध। गांव में ओपन जिम, पंचायत भवन, लाइब्रेरी का होगा निर्माण। बकरीद त्योहार के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने महानगर के कई सड़कों पर आवागमन किया प्रतिबंधित तथा रूट डायवर्जन 6 बजे से 12 बजे तक रहेगा लागू। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। सीओ कैंट श्याम देवबिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, समाधान दिवस पर आए मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की टीम गठित कर मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराने के दिए गए हैं निर्देश। और फिल्म काली के विवादित पोस्टर पर भाजपा के पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने फिल्म डायरेक्टर लीना मड़ी मेकलाई और उनके सहयोगियों के खिलाफ थाना कैंट में एफआईआर दर्ज कराने के लिए दी तहरीर। कहा, दर्ज हो गंभीर धाराओं में मुकदमा। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए देवी देवताओं के ऊपर विवादित डॉक्यूमेंट्री और पोस्टर रिलीज करने वाले लोगों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।